वक्त बोर्ड को बदलने के लिए वक्त बोर्ड का कानून को कमजोर करने के लिए मोदी सरकार जुमेरात के दिन एक नया अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया और बयान देने लगा कि वक्त बोर्ड को और भी बेहतर बनाएंगे यानी दूसरे धर्म के लोगों को वक्त बोर्ड के अंदर में घुसा देंगे यही बात है तो यह मुसलमानों के लिए बेहतर कर रहे हैं साहब या फिर वक्त बोर्ड को कमजोर कर रहे हैं इतना ही नहीं दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के कहीं कहीं ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर सरकार भी वक्त बोर्ड के ज़मीनों में बैठे हुए हैं और आप कहते हैं कि वक्त बोर्ड का हम भलाए चाहते हैं और वक्त बोर्ड के जरिए मुसलमान जितना भी गरीब है उनको हम रुपया देंगे उसका भलाई करेंगे तो मुसलमान के लिए इतना ही सोचते हैं जनाब तो जो वक्त बोर्ड का ज़मीन सरकारों के पास है उन सभी ज़मीनों को वक्त बोर्ड को दिलाइए तब हम आपको कहेंगे हाँ आप वक्त बोर्ड के लिए सोचते हैं और वक्त बोर्ड के लिए आप काम करते हैं तो दोस्तों आखिर आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि वक्त बोर्ड क्या है और आखिर ये कैसे काम करते हैं कब बने हैं तो ज़रा सा सुन लीजिए वक्त वोट जो है ना वो बने थे आज़ादी के बाद यानी हमारा जो देश आज़ाद हुआ था ना उसका कई साल बाद वक्त बोर्ड बने थे उन्नीस सौ चौवन में वक्त बोर्ड बन करके तैयार हो चुके थे फिर उन्नीस सौ पचानबे में वक्त बोर्ड में कुछ ऐसे ऐसे धारा को ऐड किया यानी उसको मजबूती किया गया 2013 में वक्त बोर्ड को उसका अधिकार मिल गया है यानी वक्त बोर्ड को वो अधिकार मिल गया कि जो भी आपका ज़मीन है यानी आपका मस्जिद है आपका जो भी मदरसा है और आपका जो भी कब्रिस्तान वगैरह जो ज़मीन है उन जमीनों को आप अपने पास ले सको जैसे कि बाबरी मस्जिद को इस तरह का कर दिया गया आपका सामने ही बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया क्या कर दिया गया तो दोस्तों वक्त बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें मुसलमानों का संपत्तियां है वक्त बोर्ड को बदलने के लिए जो अमेंडमेंट बिल लेकर आए उस बिल को पास करवा नहीं पाए क्योंकि इस बार विपक्ष जो है ना बहुत ही दमदार मजबूत है सभी ऑपोजिशन पार्टी जम करके विरोध करने लगा और मोदी सरकार को ये बिल पास करवाने नहीं दिया यानी मोदी सरकार इस बार कमज़ोर हो चुके हैं और इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि इस बिल को पास करवाने के लिए दोबारा और नहीं सोचेंगे और दोस्तों इस बिल को लेकर के आप समझ जाइए एक मुसलमानों का बिल है और इस बिल को अगर पास करवा लेते हैं तो समझिए कि जो दूसरे समुदाय के आदमी हैं वो सोचेगा कि यहाँ पर तो देखा ही जा रहा है ना भाई हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यानी मोहब्बत का पैगाम ये नहीं था तो आखिरकार मोदी सरकार इस बिल को जीपीसी को दे दिया लेकिन दोस्तों ये बात भी गौर करने की बात ही है कि वक्त बोर्ड को सही तरीके से और भी मज़बूत करने चाहिए तो दोस्तों ये तो वीडियो बहुत ही छोटा है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा